लड्डू खाना तो हर किसी को पसंद है, लेकिन लड्डू बनाने में मेहनत ज़्यादा लगती है और साथ में समय भी बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन आज मैं आपके लिए सूजी के ऐसे लड्डू की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही कम मेहनत में बन के तैयार हो जाएंगे और बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही कम सामान में बन के तैयार हो जाते हैं। तो चलिए फिर मिलकर बनाते हैं आज की मज़ेदार सी रेसिपी। इस टेस्टी लड्डू को बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पर एक फ्राई पैन या कढ़ाई रख के थोड़ा सा गर्म होने देंगे। उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच घी और उसके बाद से हम इसमें डालेंगे 1.5 कप सूजी। तो सूजी आप यहाँ पे मोटी बारीक कोई सी भी ले सकते हैं। आप सूजी डाल के इसको अच्छे से कंटिन्यू चलाते हुए भूनेंगे, रुकना नहीं है। लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको चलाते हुए लगातार हम भूनेंगे। सूजी का कलर चेंज नहीं करना है तो इसके लिए आप इसे लगातार चलाते रहें। तो ये देखिए, इस तरीके से इसको दबा दबा के चलाते रहेंगे तो इसमें घी भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया से इसको भून लेना है। इसमें आपको 6 से 7 मिनट का टाइम लगेगा। अब यहाँ सूजी को भूनते हुए 6-7 मिनट हो चुके हैं और सूजी जो है अच्छे से भुन गई है। इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग गई है और ये आप देख सकते हैं इसका कलर भी ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छे से भुना है क्योंकि मैंने लगातार चलाते हुए भुना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे। तो अगर आपके पास डेसिकेटेड कोकोनट है तो वो डालिए, नहीं तो आप जो सूखा नारियल होता है ना उसको कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। और थोड़े से हम बादाम डालेंगे कट करके, थोड़े से काजू डालेंगे और थोड़े से किशमिश डालेंगे। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मनपसंद का डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। और इन सबको डाल के थोड़ा सा 1 मिनट के लिए और भून लेंगे। अब इसके बाद से हम इसमें डालेंगे 1 कप चीनी। तो ये पीसी हुई चीनी है, तो आपके पास चीनी का बूरा हो या चीनी अगर है तो चीनी को पीस के ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे खड़ा चीनी हमें नहीं डालना है, ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसको बनाने में। तो यहाँ पे देखिए चीनी को डाल के और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1.5 कप सूजी में 1 कप चीनी परफेक्ट रहेगा। और अब हमें क्या करना है कि हम इसमें 1/4 कप मलाई लेंगे, यानी कि 1/2 कप से ज़्यादा और 1 कप से कम। तो ये वही मलाई है जो घर के दूध की मलाई निकलती है ना, वही वाली हमें मलाई लेनी है। कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा पुरानी मलाई ना हो, तो फ्रेश मलाई लेंगे तो ये लड्डू जो है ना बहुत ही अच्छे एकदम टेस्टी मलाईदार बनेंगे। तो ये देखिए मलाई को डाल के इसमें और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो ये देखिए स्पून से ना ऐसे ऐसे दबाते जाएंगे, तो ये दबा दबा के मिक्स करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि गैस की फ्लेम एकदम लो रखेंगे, नहीं तो ये जो है मलाई के साथ साथ ना सूजी जलने लग जाएगी, बहुत जल्दी हार्ड हो जाएगी। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम एकदम लो रखते हुए मलाई को सूजी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सूजी के साथ मलाई अच्छे से मिक्स हो गई है, पैन छोड़ने लग गया है नीचे से, एकदम से बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। तो अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब 10 से 15 मिनट के बाद सूजी जो है ठंडी होगी। तो जैसे जैसे ठंडी होगी ना, सूजी थोड़ी थोड़ी सी इस तरीके से बिखरने लग जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें फ्लेवर के लिए देंगे इलायची। तो यहाँ पे 2 इलायची को अच्छे से कूट के मैंने ले लिया है। अगर आपको इलायची फ्लेवर अच्छा लगे तो आप डालिए, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स हमने इसमें जो डाले हैं आप डाल सकते हैं, नहीं तो ड्राई फ्रूट्स को भी स्किप कर सकते हैं। बगैर ड्राई फ्रूट्स के इस लड्डू को बना सकते हैं, ये लड्डू बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो बस ये ना अब हल्का हल्का सा गर्म रह गया है, हल्का गुनगुना रहे तभी आपको इसे लड्डू बना लेना है, नहीं तो एकदम ठंडा हो जाएगा तो फिर लड्डू नहीं बन पाएगा। या आपको बनाते बनाते लगे कि एकदम ठंडा हो गया तो 1 चम्मच दूध डाल के इसमें मिक्स करके फिर से बना सकते हैं। और ये देखिए कितने अच्छे एकदम बढ़िया लड्डू बन रहे हैं। तो इस तरीके से आपको लड्डू बनाना है। देखिए थोड़ा सा पोर्शन इसका हाथ में लेंगे और दोनों हाथों से ऐसे गोल गोल इसको कर देंगे, बिल्कुल हाथ में रखते ही ये लड्डू बन जा रहे हैं। ये देखिए एकदम परफेक्ट लड्डू बन रहे हैं, देखने में कितने सुंदर दिख रहे हैं। तो इसी तरीके से हम सारे लड्डू बना लेंगे, बहुत ही मलाईदार लड्डू बन के तैयार होते हैं। ये देखिए यहाँ पे सारे लड्डू बन के तैयार हो गए हैं, बहुत ही टेस्टी लड्डू बन के तैयार होते हैं। मैंने तो बना लिए, आप कब बना रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए एक लड्डू मैं तोड़ के भी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट एकदम बढ़िया लड्डू बन के तैयार हुए हैं, मुंह में रखते ही घुल जाने वाले।
ये देखिए इस तरीके से आप इस लड्डू को बनाएंगे तो आपको बहुत ही पसंद आएंगे, एकदम दानेदार सूजी के लड्डू बन के तैयार हुए हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके आप भी मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। जल्दी ही मिलते हैं आपसे ऐसी नई मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।